प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। स्वयं मुख्यमंत्री ने इस महामारी के दौरान जनसभाओं में भीड़ एकत्रित कर मेलों में जनता की भीड़ में शामिल होकर लोगों को नियमों की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से संक्रमण के मामलों में फिर तेजी आई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी से निपटने को लेकर सरकार शुरू से ही कंफ्यूजन में रही है और सरकार का ये असमंजस लगातार जारी है। एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए लंगर बंद कर दिए गए हैं तो दूसरी तरफ मंदिरों को खुला रखने का फैसला लिया जा रहा है। कुंभ और अन्य स्थानों पर तीर्थ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के प्रति कोई नियम पूर्व में नहीं बनाए गए, जिसके चलते बहुत से लोग ऐसे धार्मिक स्थलों से संक्रमित होकर घर आने के उपरांत कोरोना वायरस को और लोगों में फैलाने का जरिया बने। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण की प्रथम लहर की मार से ही जनता अभी तक उबर नहीं पाई है और अब सरकार की लापरवाही की वजह से पुनः बढ़ते संक्रमण के मामले जनता को बर्बाद करने का कार्य करेंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले गंभीर चिंता का विषय है। कोरोना संक्रमण का ये सेकेंड फेज, दूसरी लहर प्रदेश के अंदर तेजी से बढ़ रही है और इस संक्रमण को रोकने में और कोरोना महामारी से निपटने में प्रदेश की सरकार शुरू से ही कंफ्यूज रही है और सरकार का ये असमंजस लगातार जारी है। स्वयं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जनसभाओं में भीड़ एकत्रित कर और मेलों में खुद भीड़ में शामिल होकर, वो भी बिना मास्क पहने, प्रदेश की जनता को कोरोना नियमों की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहित किया और कोरोना नियमों के अनुपालना में कोई अवहेलना जो है वही इस संक्रमण के एक बार पुनः तेज गति से बढ़ने का कारण बन रही है। सरकार प्रदेश से बाहर कुंभ में और दूसरे स्थानों पर तीर्थ यात्रा करने गए जो प्रदेश के लोग हैं, उनके प्रति भी कोई नियम बनाने में असफल रही है, नाकामयाब रही है और बहुत से लोग जो दूसरे राज्यों में तीर्थ यात्रा करके आए हैं, वहाँ से कोरोना वायरस से संक्रमित होकर अपने घरों को लौटे और इस संक्रमण को आगे फैलाने का उजरिया बने। अगर ऐसे लोगों की जो प्रदेशों से बाहर से अलग अलग स्थानों पर तीर्थ यात्रा में गए थे, कुंभ गए थे और स्थानों पर ग्रुप में गए थे, मेलों में गए थे, उनकी जांच की जाती, उनके लिए कोई नियम निर्धारित किए जाते तो शायद ये संक्रमण पुनः इतनी तेजी से ना फैलता। इस संक्रमण का जो प्रथम चरण था, उस चरण के दौरान जनता ने जो परेशानी झेली, जो नुकसान झेला, अभी प्रदेश और देश की जनता उसी से उभर नहीं पाई थी और अब जिस तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, अगर ये लहर ने जोर पकड़ा तो देश और जनता को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाया।